नमस्ते, मेरा नाम इंद्रजीत कौर एंड आई एम सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे एक्सट्रीमली वाइड लेफ्ट मार्जिन। पिछली वीडियो में हमने जाना वाइड लेफ्ट मार्जिन, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। वाइड लेफ्ट मार्जिन में हमने ये जाना था कि ये व्यक्ति अपनी रूट से अवे है बट नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उनको अटैच नहीं है, या हो सकता वो अटैच है या नहीं है, ये हमने जाना। तो यहां पर हम जानेंगे एक्सट्रीमली वाइड लेफ्ट मार्जिन में। एक्सट्रीमली मींस जरूरत से ज्यादा, इसको ग्राफोलॉजी में हम लॉ ऑफ एग्जैगरेशन भी बोलते हैं। मीन टू से जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज सही नहीं होती, जरूरत से ज्यादा है तो गड़बड़ है, चाहे वो प्यार हो, नफरत हो, या कोई भी चीज, कोई खाना खाते हैं हम, कोई भी ऐसी चीज जरूरत से ज्यादा तो सही नहीं होती। वाइड लेफ्ट मार्जिन में हमने जाना था कि ये व्यक्ति जो वाइड है तो ये अवे फ्रॉम द रूट है, इसका डिसीजन मेकिंग खुद का है, यही जाना था हमने। बट यहां पे लग रहा है कि ये व्यक्ति अवे है, ऐसे लग रहा है कि अपने पास से भाग कर आ रहा और प्रेजेंट में आ रहा है, बट ये ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति दिखा रहा है कि उसको अपने पास से अभी कुछ मतलब नहीं है, अभी वो अपने प्रेजेंट में हैप्पी है, वो सभी चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उसको कोई भी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है। वो आपको बाहर से ये चीज दिखा रहा है, बट जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर से वो अपना कोई तो उसका ऐसा पास्ट है जिससे वो भाग रहा है, सबकॉन्शियसली उस चीज से वो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ एग्जैगरेशन, एक्सट्रीमली वाइड लेफ्ट मार्जिन। उसका कोई बीता हुआ कल है जो उसको भूलने की वो कोशिश कर रहा है, बट वो उसको आज भी इफेक्ट कर रहा है, उससे अटैच ही है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सट्रीमली वाइड लेफ्ट मार्जिन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।